देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ नोटबंदी पर मोदी सरकार का मंथन, देश के आर्थिक हालात पर शाम को पीएम करेंगे चर्चा। नीति आयोग की बैठक में बजट को लेकर सुझाव मांग सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, आर्थिक सुधारों पर बनेगी रणनीति। अर्थशास्त्रियों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल, कैश की किल्लत को दूर करने के उपाय पर हो सकती है बातचीत। नीति आयोग अगले 15 साल के रोड मैप का देगा प्रेजेंटेशन, आर्थिक रफ्तार सुधारने को लेकर भी होगी चर्चा। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने आज तक से कहा, बैंक और एटीएम से पैसा निकालने की सीमा धीरे धीरे होगी खत्म। मुश्किलों में घिर सकती है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, प्रवर्तन निदेशालय पर छापेमारी में बीएसपी के खाते में मिले 104 करोड़ रुपए। ईडी ने दिल्ली के करोल बाग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पर मारा था छापा, नोटबंदी के बाद जमा कराई गई थी रकम। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के खाते में नोटबंदी के बाद 8 बार जमा कराया गया पैसा, कुल रकम 104 करोड़। करोल बाग के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मायावती के भाई आनंद कुमार का भी खाता, नोटबंदी के बाद जमा हुए 1,43,00,000 रुपए। मायावती के भाई आनंद के खाते में नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर हुए 1,25,00,000 रुपए, आयकर टीम करेगी जांच। मायावती के भाई आनंद कुमार बेनामी संपत्ति मामले में पहले से ही घिरे, सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने आनंद से जुड़े 6 बिल्डरों को भी भेजा नोटिस। नोटिस भेजे जाने वाले सभी 6 बिल्डर जमीन आवंटन से जुड़े विवाद में हैं घिरे, आनंद कुमार पर आवंटित जमीन में 20% हिस्सेदारी का आरोप। अथॉरिटी में क्लर्क की नौकरी छोड़कर प्रॉपर्टी के धंधे से जुड़े थे मायावती के भाई आनंद कुमार, इस वक्त 49 कंपनियों के मालिक। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह पर बोला था हमला, कहा नोटबंदी से मेरा नहीं बीजेपी अध्यक्ष के चेहरे का नूर उतरा। बीजेपी का पलटवार, यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मायावती चुनावी ऐलान से पहले ही हो चुकी थी हताश। यूपी में चुनावी अभियान से किनारा करने की खबरों पर शीला दीक्षित की सफाई, कहा अलीगढ़ में नहीं था मेरा कार्यक्रम, नाराजगी की बात पर जताई हैरानी। सहारा डायरी के पन्नों में शीला दीक्षित का भी नाम होने की खबर, शीला ने जानकारी से किया इनकार। राहुल गांधी ने सहारा डायरी का हवाला देकर पीएम मोदी को बनाया था निशाना, करोड़ों रुपए लेने का लगाया था आरोप। कल बर्रा में फिर गरजे राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार का फॉर्मूला गरीबों का पैसा खींचो, सिर्फ 50 परिवारों को खींचो। राहुल ने काले धन का भी उठाया मुद्दा, बोले स्विट्जरलैंड ने मोदी सरकार को सौंपी काले धन वालों की सूची, संसद में क्यों नहीं पेश की लिस्ट। नोटबंदी के बीच कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने की बैठक, कहा सूत्रों से खबर, जांच हुई तो अंदर जाएंगे पीएम। नोटबंदी पर केंद्र की घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली, आज कांग्रेस नेताओं संग करेंगी बैठक, 50 दिनों की मियाद को लेकर अटैक की बनेगी रणनीति। नोटबंदी के खिलाफ 27 दिसंबर को विपक्ष की एकजुटता के से पहले ही दिखा अलगाव, एनसीपी जेडीयू सीपीआई और सीपीएम ने कांग्रेस की मोर्चाबंदी से किया किनारा। विपक्षी पार्टियों की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हमें नहीं मिला कॉमन एजेंडा। कांग्रेस की अगुवाई में मोर्चेबंदी में शामिल होगी जेडीएस, पार्टी नेता दानिश अली ने कहा नोटबंदी पर सरकार को करेंगे बेनकाब। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू पर साफ किया सस्पेंस, बोले कांग्रेस ने उनके नाम छोड़ दी है अमृतसर की सीट, अब उस पर चाहे वो लड़े या वो उनकी पत्नी। शहीद जोड़ मेले में आप सांसद भगवंत मान ने फिर दी डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को चुनौती, कहा दम है तो जलालाबाद से मेरे खिलाफ लड़े चुनाव। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीएसपी के भाईचारा सम्मेलन में अजब नजारा, हथियारों के साथ पहुंचे तमाम दबंग। यूपी के हाथरस में अखिलेश सरकार ने बांटी लैपटॉप, लैपटॉप नहीं पाने वाले छात्र छात्राओं का हंगामा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों से सदन में नहीं कर पा रहे हैं शिरकत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर करते हैं बड़ा वार, बोले पूरी होने वाली है 50 दिनों की मियाद, पीएम को ढूंढ लेना चाहिए पसंदीदा चौराहा। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर 50 दिनों के लिए जनता से मांगी थी मोहलत, कहा था इसके बाद हालात नहीं सुधरने पर चौराहे पर जनता दे सकती है सजा। गुजरात के नवसारी में लोक गायक पर बरसाए गए 1.5 करोड़ के नए नोट, गुजरात कलाकार फरीदा मीर और माया भाई अहीर की भजन संध्या में लुटाए गए नोट। गुजराती कलाकारों पर बरसाए गए 10 और 20 रुपए के नोट, महिलाओं और बच्चों ने भी नोटों की बारिश की।
गुजरात के राजकोट में 26 लाख के जाली नोटों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। पकड़ी गई करेंसी में 5,000 और 5,500 के नोट। मुंबई के डांस बार्स में ब्लैक मनी की को व्हाइट करने के धंधे का आज तक ने किया खुलासा। नोटबंदी के बाद डांसर्स को लौटाए जा रहे थे 500 और 1,000 के पुराने नोट। डांस बार्स में बिल में पुराना 500 का नोट अभी भी जारी। 31 दिसंबर से पहले ही शुरू हो चुका है नए साल का जश्न। ज्यादा कलेक्शन जुटाकर बैंकों में जमा करना है मकसद। कानपुर में दिखा बेरोजगारी का दंश। सफाई कर्मी की भर्ती परीक्षा में स्नातक पास युवक कूड़ा उठाते झाड़ू लगाते दिखे। केंद्र सरकार ने रेलवे दुर्घटना में दिए जाने वाले मुआवजे की रकम दोगुनी की। रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। रनवे पर इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान आमने सामने। जिस रनवे से स्पाइस जेट को करना था टेक ऑफ उसी पर आई 176 यात्रियों से बड़ी इंडिगो की फ्लाइट। डीजीसीए ने दिए घटना की जांच के आदेश। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी की पूछताछ। गोवा में डेबोलियम एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। 336 डिग्री घुमा जेट एयरवेज यात्रियों से भरा विमान। सुबह करीब 5 बजे रनवे पर फिसला था विमान। 15 यात्रियों को आई मामूली चोटें। फ्लाइट में सवार सभी 161 लोग सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के दफ्तर का किया उद्घाटन। 200 माइनर और 12 मेजर पोर्ट बनाने की योजना। गडकरी ने कहा विकास परियोजनाओं से के लिए सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के जरिए डॉलर में कर्ज लेना होगा आसान। रुपए में 11% ब्याज मिलने वाला कर्ज डॉलर में 2% पर मिलेगा। हमारी ये कंपनी के बाद फायदा होगा कि हम 2.25% के बजाय 2% तक, मैं उम्मीद करता हूं अभी किसी ने नहीं पर बातचीत चल रही है, 50,000 करोड़ 2% से मिलेंगे। चंडीगढ़ में एक निजी संस्था ने सर्दी के सितम में गरीबों के अनोखे अंदाज में की मदद। कपड़ों के लिए तैयार की नेकी की दीवार। एनजीओ ने कपड़े की मदद के लिए एक दीवार पर लगाया पोस्टर, लिखा ये नेकी की दीवार है, जरूरत नहीं तो छोड़ जाए, चाहिए तो ले जाए। पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350 प्रकाश पर्व पर केंद्र और राज्य के बीच गरमाई राजनीति। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव तैयारियों से नाखुश। बिहार में 3 से 5 जनवरी तक मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा केंद्र ने दिए 100 करोड़ रुपए। बिहार पर्यटन विभाग का केंद्र पर पलटवार। कहा राज्य सरकार और सिख समुदाय मिलकर उठा रहा है खर्च। फिर केंद्र ने कहा खर्च किए गए 100 करोड़। पुणे के पिंपरी इलाके में दबंगों ने जूते की दुकान में लगाया खरीदारी के दौरान कीमत को लेकर हुई थी बहस। जूते की दुकान में आगजनी से 5 दुकानें खाक। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ किया केस दर्ज। जामनगर में बड़ा हादसा होते होते बचा। एयरफोर्स के अभ्यास के दौरान समरत गांव के करीब गिरा मोर्टार का गोला, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के मानचित्रा होटल में अमेरिकी लड़की से हुए गैंगरेप के केस में 5 आरोपी गिरफ्तार। कुछ आरोपियों की तलाश अभी भी जारी। अमेरिकी लड़की से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार आरोपियों में 1 5-स्टार होटल का कर्मचारी, 3 टूरिस्ट कंपनी के स्टाफ। थाने के उल्लासनगर स्थित मानापुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी की शाखा से 30 किलो सोना चोरी। चोरों ने गैस कटर से काटी तिजोरी। उल्लासनगर पुलिस ने मानापुरम गोल्ड में हुई चोरी की जांच में जुटी। कब्जे में ली सीसीटीवी फुटेज। मुंबई के पास थाने में एक शख्स ने अपनी खुदकुशी का मोबाइल वीडियो बनाया। बहू पर झूठे आरोप से था परेशान। मृतक बाबू शेख पर बहू ने लगाया था चरित्रहीनता का आरोप। बहू और उसके मायके वालों की साजिश बताया। वो किसी भी दुश्मन को भी मेरे नहीं मिले और मेरे गुजारिश है आप सभी से कि ऐसे बहू को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बोलता हूँ। मृतक के बेटे ने कहा पिता ने कुछ दिनों पहले ही सीखा था मोबाइल से वीडियो बनाना। कल्याण में व्हाट्सएप पर मिल रही धमकी से परेशान युवक ने ट्रेन से कट कर दी जान। मौत से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया सेल्फी मैसेज। पत्नी के साथ खुदकुशी करने पहुंचा था युवक लेकिन ट्रेन के करीब आने पर पत्नी को धक्का देकर ट्रैक से हटाया। दिल्ली पुलिस ने ग्रीस गैंग के एक गुर्गे को पकड़ा। हीरा हरिनगर इलाके से चोरी की गई 3 किलो सोने की ईंट बरामद। मेरठ में सरेआम बदमाशों ने एक किन्नर को गोली मारकर हत्या की। गोली लगने से 2 लोग घायल भी। गायकवाड़ से जुड़ी वारदात। दादरी पुलिस ने 3 लुटेरों को दबोचा। लोहे की 50 प्लेटों के साथ चोरी की गई गाड़ी बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने हत्या और 40,000 की लूट के
आरोपी को किया गिरफ्तार। शराब की लत के चलते कारोबारी की हत्या कर लूटे थे पैसे। रोहतक में पर्यटन निगम की जेई 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। 12 लाख रुपए की पेमेंट के बदले ले रहा था घूस। गुरदासपुर के संघेड़ा गांव में हथियारबंद लोगों ने एक शख्स की जान ली। शिकार करने से रोकने पर हुआ था विवाद। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में बेकाबू बस खाई में गिरी। हादसे में एक यात्री की मौत, 24 लोग घायल। झांसी में 31 जुलाई हुई एक कॉल गर्ल की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अभी भी फरार। झांसी में 4 युवकों ने रुपए के लेन देन को लेकर की कॉल गर्ल की हत्या। एक कार्टून में बरामद बंद कर मैदान फेंका था। नए साल के आगमन से पहले बिहार में अवैध शराब के कारोबार पर और कसा शिकंजा। मोतिहारी में एक ट्रक से 18,000 बोतल शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। बागपत में बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। अलीगढ़ में 7वीं की छात्रा की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस कर रही है जांच। बिजनौर में महिला ने अपने पति पर दोस्तों से रेप करवाने का लगाया आरोप। दोस्तों से संबंध पर न बनाने पर पत्नी को पीटता था। यूपी के गोंडा में वाहन चोर के अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की लग्जरी गाड़ियां बरामद। बेतिया में स्मैक बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार, 20 लाख की स्मैक जब्त। अलीगढ़ में नाबालिग दलित किशोरी की गला रेत कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल आतंकियों ने की गोलीबारी, 1 स्थानीय नागरिक की मौत। दिल्ली के पांडव नगर में 19 दिसंबर को कैश वैन से हुई 10 लाख की लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार, 9,48,000 कैश और हथियार बरामद। अलवर के खुशेड़ा में लोगों का थाने के बाहर प्रदर्शन, 1 महीने से लापता लड़की की तलाश की मांग। मध्यप्रदेश के छतरपुर में दिन भर पैर पर खड़ा रहने के बाद बुजुर्ग किसान की गई जान। बचिया की मौत के बाद पंचायत ने पश्चाताप के लिए सुनाया था फरमान। आज 51 साल के हुए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान, पनवेल में अपने फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ काटा केक। 62वें जियो फिल्म फेयर अवार्ड शो की मेजबानी करेंगे शाहरुख और करण जौहर। वर्ली के NSCI डोम में 14 जनवरी को होगा आयोजन। सिंगर मीका सिंह ने दिल्ली में फिल्म सरदार साहब का म्यूजिक किया लॉन्च। फिल्म सरदार साहब के प्रोड्यूसर है मीका। करण के शो कॉफी विद करण में अनुष्का और कटरीना, अनुष्का ने कैट के साथ तस्वीर इंस्टाग्राम पर की शेयर। अभिनेता और बीजेपी नेता श्रीसंत को अभी भी बतौर तेज गेंदबाज टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद। मौजूदा टीम इंडिया सर्वश्रेष्ठ बताकर सराह। मुंबई के पालघर में खेल समारोह में पहुंचे थे श्रीसंत। विराट कोहली की कप्तानी की भरपूर तारीफ की। फिलहाल तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में व्यस्त हैं श्रीसंत। मेलबर्न में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी। पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए 4 विकेट पर 201 रन। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया था फैसला। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला जारी। अफ्रीका ने पहली पारी में 6 विकेट पर 268 रन बनाए। अर्जेंटीना में भारी बारिश के बाद टूटा सैलाब का कहर, हजारों लोग प्रभावित, सैकड़ों घर तबाह। अर्जेंटीना के रामालू में सैलाब का सबसे ज्यादा असर, 600 लोग हुए विस्थापित। अमेरिका पर टूटा बर्फबारी का कहर, नॉर्थ डकोटा के हालात बुरे, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, -9 डिग्री लोड का तापमान। पेरू में सबनकाया में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, धुएं के गुबार से नजदीकी इलाकों में बड़ी मुश्किल। चीन के गुआंगजू स्थित चिड़ियाघर में नन्हे पांडा बने लोगों के आकर्षण का केंद्र, 2 महीने पहले जन्मे थे बच्चे।